जाने के पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगी, प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो मैं बोलूंगी कि लाइक दे दीजिए, कमेंट कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलिए अभी मैं दिखाती हूँ मैं क्या क्या बनाई। फिर से मैं दिखाती हूँ क्या मैं पका रही हूँ गार्डन की मेथी साग से। আজকে আমি চলে এসেছি আবার একটা ভিডিও নিয়ে। তবে আজকে একটা রেসিপি দেখাবো, কিন্তু সেটা ঠিক রেসিপি দেখাবো বলে দেখাবো না, বা এটা কোনো রিকোয়েস্টেড ভিডিও না। আজ মানে আপ লোগোকে দিখাওঙ্গি মেরি গার্ডেন মে জো মেথি শাক হুয়া থা ও মানে লেকে আই ঘর মে আবি ও মেথি শাক মানে কুক করুঙ্গি। তো বাগানের মেথি শাক নিয়ে চলে এসেছি আর সেই শাক দিয়ে আমি একটা রান্না করব। তো বাগানে যেগুলো ছিল সেগুলো দিয়েই রান্না করব। বাগানে মেথি শাক ছিল আর লঙ্কাও ছিল, যে আমি মেথি শাক তুলেছি আর এই যে লঙ্কা তুলেছি। তো এই মেথি শাক আর লঙ্কা দিয়ে আমি একটা রেসিপি বানাবো। তো মেথি শাকগুলো একদম অর্গানিক, তাই না? তো দেখুন কি সুন্দর মেথি শাক। তো এই মেথি শাক আর লঙ্কা এখন প্রায়ই তুলে আনছি, প্রায়ই হচ্ছে। তো আমি তোলাটাও আপনাদের সাথে একদিন ভিডিও শেয়ার করেছিলাম, আর খুব ঝামেলা হচ্ছে গাছগুলোতে, তার কারণ হচ্ছে রাধাচূড়া ফুল টুপটুপ টুপটুপ করে পড়ছে। আমি ক্যামেরাটা ঘুরিয়ে আপনাদের বরং দেখাই। ওপরে রাধাচূড়া গাছ আর ওই যে দেখুন আমার মেথি শাক পালং শাক সব হয়ে আছে। তো আমার এই যে আমি কিচেন এখন দাঁড়িয়ে আছি, এখান থেকে সব দেখা যাচ্ছে। মানে বেঙ্গলি মে বাতাই হিন্দি মে নেই বাতাই ক্যা হুয়া থা কি মেরি গার্ডেন মে জহাঁ পে মানে মেথি শাক এসে বুনি হুঁ, बुनी हूँ बोलते हैं ना, हाँ बुनी हूँ। तो वहाँ पे एक राधा चूड़ा के पेड़ है, येलो फ्लावर वाला एक पेड़ है। तो फ्लावर कंटिन्यूअस गिरते रहते हैं गिरते रहते हैं। इससे क्या हो रहा है कि मेरी मेथी साग थोड़ा खराब हो रहा है और वो मुझे क्लीन करना पड़ रहा है। तो पहले मैं समझ नहीं पाई थी क्योंकि फर्स्ट टाइम मैं ज़मीन पे मेथी साग बुनी हूँ, तो मुझे समझ में नहीं आया था कि क्या हुआ। तो बाद में देखा कि वो फ्लावर की वजह से वो मेथी साग खराब हो रहा है। कुछ जगह से मेथी साग जहाँ होता है ना फ्लावर जम जाता है तो वो पानी से वो खराब भी हो जाता है ना, तो उधर मेथी साग खराब हो गया मतलब मर गया। तो अभी हम लोग क्या करते हैं कि वो फ्लावर जो है उसको क्लीन करना पड़ता है। तो क्लीन करके रखती हूँ तो मेथी आ रहा है अच्छा से। तो देखिए ना कितना सारा मेथी आया है। तो एक दिन मैं दिखाई थी कि मैं मेथी ऐसे सब क्लीन करके मेथी काट रही हूँ, तो आज भी मैं लेके आई हूँ और गार्डन से मैं चिली भी लेके आई हूँ। तो आज मैं मेथी साग का कुछ रेसिपी दिखाऊंगी, एक दिखाऊंगी क्योंकि बहुत सारा है और दो भी दिखा सकती हूँ। चलिए देखते हैं। एक तो भाजी बनाऊंगी, वो बहुत टेस्ट होता है और ये ऑर्गेनिक है ना। तो क्या होता है मेथी साग जब ऑर्गेनिक ऐसे गार्डन से लेके आते तो उसका खुशबू ना बहुत अच्छा होता है और ये बहुत सॉफ्ट है। बाजार जैसा बिल्कुल नहीं है ये मेथी, देखिए आप लोग एकदम नरम होता है। और मैं ऐसे लेके आती हूँ कि यहाँ पर आके कुछ करना ना पड़े, जस्ट ऐसे उसका उससे मैं ऐसे थोड़ा थोड़ा करके लेके आती हूँ। मैं दिखाती हूँ आपको, देखिए इतना सा काट के लेके आती हूँ। फिर वो जो पौधा है पौधा से फिर से पत्ता आ जाएगा, तो इतना छोटा छोटा मैं काट के लेके आती हूँ, सिर्फ धो के बना लूँगी। चलिए देखते हैं मैं क्या क्या बना रही हूँ।
कैसे हुआ था, सुबह मैंने पकोड़ा दिखाई, उसके बाद और बना नहीं पाई कुछ, तो अभी मैं शाम को बना रही हूँ सब्जी, मेथी की सब्जी। तो वो भी मैं दिखा रही हूँ कि कैसे बनाती हूँ। ये बंगाली स्टाइल सब्जी है जो बड़ी से हम लोग साग बनाते हैं, तो ऐसा ही एक रेसिपी मैं आप लोगों के बहुत इजी रेसिपी शेयर करूँगी। चलिए देखते हैं। अभी देखिए बहुत रात हो चुका है, मैं अभी अभी लैब से आई हूँ, तो अभी मैं दिखाती हूँ कैसे मैं बना रही हूँ बंगाली मेथी साग की रेसिपी। चलो देखते थकी। मेथी साग, ये है बंगाली बड़ी, पटेटो, ऑनियन एंड चिली। तो अभी मैं बनाऊँगी। पहले ऑयल में बड़ी को फ्राई करना पड़ता है, तो देखिए मैंने फ्राई कर लिया। इसके बाद तेजपत्ता, ड्राई रेड चिली 5 फोरन, उसके बाद ऑनियन एंड पटाटो सब कुछ देके, थोड़ा सा सॉल्ट, रेड चिली पाउडर, जीरा पाउडर एंड टर्मरिक पाउडर देके अच्छा से फ्राई कर लीजिए। उसके बाद उसमें मेथी साग भी ऐड करके लो फ्लेम में फ्राई कर लीजिए। बरी भी ऐड कर दीजिए और अच्छा से थोड़ा ढक के लो फ्लेम में फ्राई कर लीजिए। उसमें पटाटो भी कुक हो जाएगा और मेथी भी कुक हो जाएगा। तो इतना ही इजी रेसिपी है। बड़ी भाजार पर तेलेते 5 फोरन शुकनो लंका और तेजपाता दिए भाजा कर बाकी सब्जीगुलो जगह केटे रेखेम दिए भाजा कर नेबें। से समय जिरे गुड़ो, लंका गुड़ो और हलुद गुड़ो और नून दिए देवें और तारपरे शाकटा दिए लो फ्लेमे नेड़े नेड़े भेजे नेबें। बस हो गल, ऑलमोस्ट हो गया है। अभी थोड़ा सा और फ्राई करना बाकी है, इसके बाद ये रेडी हो जाएगा। अभी इतना खुशबू आ रहा है इससे, क्या बात है। गार्डन का सब्जी का अलग ही होता है और ये प्योर ऑर्गेनिक है, क्योंकि जस्ट ऐसे सीड सोइंग के बाद ये कुछ नहीं दिया है मैंने, और ये ऐसे ही हुआ है, सिर्फ पानी देती थी, तो ये ऑर्गेनिक बोल सकते हैं आप लोग। चलिए अभी मैं दिखाती हूँ मैं क्या क्या बनाई फिर से, और मैं आप लोगों से टाटा बाय बाय भी बोलती हूँ। मेरी वीडियो देखते रहिए।